इधर का पीतांबर तो कभी इधर कंटक में उलझ रहा है तो कभी इधर उलझ रहा है। अब भगवान रथ को लेकर के मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर के पास जाकर के रथ को रोक दिया। अब भगवान ने देखा यहां सखियां तो तमाम हैं, इनमें से कौन पहचानी, यहां रुक्मिणी कौन है। और रुक्मिणी भी समझ गई कि शायद प्रभु हमें पहचान नहीं रहे। जिस हाथ में रुक्मिणी के कंगन बंधा था वही हाथ आगे कर दिया, समझिए यही रुक्मिणी है। इशारा किया रुक्मिणी आप घूम करके रथमा बैठ ले हुआ। अब पूजा की थाली तो वहीं रख दी। रुक्मिणी पहुंची भगवान के रथ में। अब जो मंदिर में सखियां बैठी आपस में कान लगी, जीजी जेतव जाई रही इनके संगमा, और जो भी कल से कानन तक कजरा लगाए परे उनको का हो। सखियां भाग करके आए, रुकुम अरे रुकुम, तुम्हारी बहन को कोई काले काले रंग का पुरुष लिए जा रहा। रुकुम कहने लगा यदि मैं अपनी बहन ना ला सका तो किसी को आकर के अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अब रुकुम भाग करके पहुंचा भगवान के रथ को, आगे से घेर करके घोड़े की लगाम में पकड़ कर खड़ा हो गया। बलराम ने कहा कन्हैया अब क्या बात है, रथ को आगे बढ़ाओ। भगवान ने कहा कैसे रथ को आगे बढ़ाएं जब घोड़े की लगाम ही नहीं छोड़ रहे। बलराम ने कहा कौन है। भगवान ने कहा जहाई है अपनो सारो। बलराम ने कही कैसो सारो सारो, अगर तुमसे ना हटे बताओ हम हमेशा के लिए हटा दे। उसी समय रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए। प्रभु बलराम को मना कर देना, मेरे भाई को मार ही नहीं, यदि कहीं मेरे भाई को मार दिया, भागवत के पन्ने पन्ने पर लिखा होगा कैसी बहन थी जिसने अपना भाई मरवा दिया। संसार का बच्चा बच्चा कहेगा एक बहन ने भाई मरवा दिया। भगवान कहने रुक्मिणी तुम चिंता मत करो। भगवान ने रस्से लगाए छलांग, रुकुम के बांधे हाथ पैर उठा करके रथ में डाल दिया। ऐसे समय विवाह करने के लिए आए, कुछ दहेज भी नहीं मिल रहा है। विचार किया आई दहेज समझ ले चलाओ। अब रुकुम जब रथ में पहुंचा, रुक्मिणी ने देखा भैया रथ में आ गए तो धीरे से कह रही प्रभु, भगवान से कहा प्रभु शिशुपाल की तेज अक्षौड़ी सेना पड़ी रथ को जल्दी से भगाओ। धीरे से कह रही रथ को भगाओ और जोर चिल्ला रही बचाओ। धीरे से कह रही रथ भगाओ और जोर चिल्ला देती बचाओ। भगवान कहने रुक्मिणी रुक्मिणी चिंता मत करना, रुक्मिणी मैं तुम्हें चोरी से नहीं, रुक्मिणी मैं तुम्हें डंका की चोट पर लेकर के चलूंगा। निकाला शंख भगवान ने बजा दिया। शिशुपाल ने कहा कोई तो हमें लड़के लिए बुलाने लगा है। अब शिशुपाल की तेज अक्षौणी सेना पहुंची, भगवान के रथ को चारों तरफ से घेर लिया। बलराम ने कहा लला कन्हैया हमने कई थी रथ को भगाए ले चलाओ, नहीं माने अब क्या करोगे। भगवान कहने लगे रथ को लगा दीजिए साइड से, एक भी जीवित नहीं जाने चाहिए। लगा दिया दोनों भाइयों रथ को एक एक साइड में। सुदर्शन चक्र से कह दिया जाओ इनके सरधर से अलग कर दो, सरधर से अलग। अब बलराम जी का हथियार है हला मूसल, हल से खींच लेते मूसल से पक्की मोहर लगा देते, सब खटाखट एक तरफा बोट जाए रे सब। जब सारी सेना को मार दिया, शिशुपाल के लिए बलराम ने हल बढ़ाया। भगवान के लिए भैया इन्हें मत मारना, अगर कहीं ने मार दिया तो फिर मेरा वरदान अधूरा हो जाएगा। मेरे भाई बहन इस शिशुपाल चंदेली का राजा था, दमघोष का पुत्र था, भगवान कृष्ण की बुआ जी का लड़का था। आप लोग पंडित जी से प्रसाद ले लिया करो साइड में बैठे,
इधर परेशान ले लिया करो आप लोग। शिशुपाल चंदेली का राजा था, दमघोष का पुत्र था, भगवान कृष्ण की बुआ जी का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो शिशुपाल के तीन नेत्र थे, चार भुजाएं थी, एक आकाशवाणी हुई है। जिनकी गोद में जिनके जाने से दो भुजाएं और तीसरा नेत्र कट जाए वही इन्हें मार देगा। अब देश देशांतर के राजा आ रहे, भगवान ने सुना, विचार किया, चतुर्भुजी हमारे अलावा दूसरा कोई है नहीं, ये चतुर्भुजी कहां से आ गया। अब भगवान भी पहुंच गए, जैसे भगवान पहुंचे का बुआ जी कहां है हमारा भाई देखें। जैसे बुआ ने लाकर शिशुपाल को भगवान की गोद में दिया, उसी समय शिशुपाल की दो भुजाएं तीसरा नेत्र कट करके जमीन पर गिर गया। उसी समय बुआ जी ने अपनी साड़ी का पल्ला फैला दिया। इन माताओं के अंदर एक इनके पास एक यही अस्त्र है, दूसरा अस्त्र नहीं, केवल एक यही अस्त्र है। देखना जब आप जे लोग जब प्रसन्न हो, अब पति को जब भोजन प्रसन्न जाए तब जाए से थाली साफ कर दिए। अब लला के घर तब तक कब ना काई तब सीतारा। अब अगर कोई काम बिगाड़ दे, हे परमात्मा, बुआ जी ने झोली फैलाई, कन्हैया तुम्हारा भाई, हम तुमसे भीख मांग रही। भगवान के ने बुआ जी सब गलती माफ, अगर तुम कह रही हो तो सब गलती हमने माफ की। अब जब ये सब गलती से ऊपर बढ़ जाएंगे तो जिम्मेवार नहीं होंगे। बुआ जी ने विचार किया, भैया क्या इतना नालायक होगा, सब सब गलती करेगा, इसलिए शिशुपाल यहां मारा नहीं जाएगा। इस शिशुपाल धर्म राज्य की राजस्व यज्ञ पर मारा जाएगा। जब ये भगवान कृष्ण को सौ गालियां देगा, पत्थर उठा करके चलाएगा, उसी समय भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा इसका सर दर्श अलग कर देंगे। भगवान कहने लगे, भैया अगर कहीं मार दिया तो मेरा वरदान अधूरा हो जाएगा। इन्हें छोड़ दिया है। भगवान रुक्मिणी को लेकर के आए हैं, लेकिन पहले भगवान का विवाह नहीं होगा। बड़े हैं बलराम, पहले बलराम का विवाह हुआ है रेवती कन्या रेवती के साथ। मेरे भाई बहन, आप लोग भी तीन काम हमेशा बराबर वाले में ही करना। कौन कौन से? बैर, जब लड़ाई करना तो किसी बराबर वाले से लड़ाई करना, तो लड़ाई का फिर बैर का कुछ आनंद आएगा। प्रीति, अगर प्रेम करना तो बराबर वाले में ही करना, तो तुम्हारा जीवन भर प्रेम चलेगा। विवाह, जब रेवत जी को रेवती के समान कोई वर नहीं मिल रहा, एक दिन रेवत जी रेवती को साथ में लेकर के चले और कहा, पुत्री देखो तुम ही अपने लिए कोई वर देखो। अब रेवती को साथ में लेकर के रेवत जी सतलोक में पहुंच गए। सतलोक में रेवत जी ने देखा गंधर्व लोग गायन वादन कर रहे हैं। जब रेवत जी वहीं बैठ गए, अब इन्हें होश ही नहीं कि हम कन्या के बर के लिए निकले हैं। त्रेता का अंतिम चरण था तो द्वापर प्रारंभ हो गया। अब इन्हें होश आया जब द्वापर प्रारंभ हुआ कि हम तो कन्या के बर के लिए निकले हैं। गंधर्वों से पूछा हम क्या करें, तो गंधर्वों ने कहा अब आप ऐसा करो, बलराम के साथ में रेवती का विवाह कीजिए। तो बलराम के साथ में रेवती का विवाह हुआ था। विचार करो, रेवती थी त्रेता की, बलराम थे द्वापर के। यदि आज कहीं 30 साल की लड़की हो गई, 40 साल का लड़का हो गया, गांव की गलियों में लोग कहने लगते उन पर तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या विवाह होगा। 30 साल की लड़की, 40 साल का लड़का,
गांव के लोग कहते उन पर बुढ़ापा आ गया है। रेवती थी त्रेता की और बलराम थे द्वापर के। पूरा युग गायब है। रेवती थी 15 हाथ की, बलराम थे 7.5 हाथ के। विचार करो कितना अंतर। रेवती ही 15 हाथ और बलराम है 7.5 हाथ। भगवान इनसे कभी कभी लंबी बहू वाले कहते, लंबी बहू वाले, लंबी बहू वाले। एक बार भगवान को क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो बलराम ने रेवती को पास में बुलाया है। रेवती को पास में बुलाया और बलराम ने लेकर के मूसल रेवती के शर्मा दई दन। जितने बड़े बलराम है उतना बड़ा रेवती को भी पीट पीट करके कर लिया है। भैया अगर ऐसे कोई श्रोता बैठे हो जिनके सामने ऐसी समस्या हो तो अभी यह मत विचार करना कि पंडित जी ने कहा मूसल से पीटे तो छोटी हो जाएंगी। वो तो देवताओं की बात थी। तो जितने बड़े बलराम थे उतना बड़ा रेवती को भी पीट करी कर लिया। अगर भैया शाम को आज घर में पीटन लगे तो इनकी खोपड़ी फूट जाएगी लेकिन अभी ये छोटी नहीं हो पाएंगी। वो देवताओं की बात थी। इसके बाद भगवान ने पहला विवाह रुक्मिणी के साथ किया था। और परीक्षित जी ये मूर्ति आप वहां रख लो। और माता जी अगर श्रृंगार की वस्तु लाई है तो जैसे आप श्रृंगार किया करती हैं वैसे राधा रानी का उठ करके वहां पर श्रृंगार कर दो। जिस समय पहला विवाह भगवान ने रुक्मिणी के साथ में किया है देवता लोक सत्य लोक से जय जयकार की आवाज कर रहे हैं, पुष्पों की बरसात कर रहे हैं कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।